जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया प्रोफेसर का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड कंपनी के बारे में। अच्छा, सबसे पहले ये जानिए कि आज इस कंपनी के बारे में बात क्यों हो रही है, क्योंकि दो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर सामने आ रहे हैं इस स्टॉक को लेकर। आपको पता होगा बोनस प्लस स्प्लिट ये दोनों एक साथ ही कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है देने के लिए। ये सिर्फ बोनस और स्प्लिट की बात नहीं है, ये आप देखेंगे तो इसका रिकॉर्ड रहा है, ये एक लंबा चौड़ा इसका हिस्ट्री रहा है डिविडेंड का। ये कंपनी हर साल आपको डिविडेंड भी देती है और बोनस और शेयर्स तो दे ही रही है। तो अगर आपका इसमें इन्वेस्टमेंट है तो एक कंसिस्टेंस इनकम आपको ये इसका बेनिफिट आपको मिलते रहेगा। तो इसलिए इस वीडियो में आज हम लोग कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड को डिस्कस करेंगे। जिसके पास पहले से इन्वेस्टमेंट है वो भी इस वीडियो को देखेंगे। कोई नया व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए तो उसके लिए तो वीडियो इंपॉर्टेंट है ही। तो यहाँ पर हम लोग आ गए बीएस इंडेक्स वेबसाइट पर और यहाँ पर देखेंगे तो मैंने सबसे पहले कैप्री ग्लोबल लिमिटेड कैपिटल लिमिटेड को यहाँ पर ओपन किया हुआ है। तकरीबन 290 रुपये के आसपास कंपनी का शेयर प्राइस चला और प्राइस में हमेशा आपको जंप देखने को मिलेगा। तकरीबन 20% के आसपास तेजी आज देखने को मिली और ये सिर्फ चूंकि बोनस और स्प्लिट का न्यूज है इसके बदौलत नहीं देखने को मिली। यहाँ पे नोटिफिकेशन में आप देखेंगे तो पाएंगे कि स्टॉक अपर सर्किट में भी आपको चलते हुए दिखेगा और इतना शानदार स्टॉक भी लगता है इसमें आपको अच्छी खासी वॉल्यूम भी देखने को मिलती है और उस वॉल्यूम बदौलत इसमें अच्छी खासी तेजी भी स्टॉक में लगभग आपको हमेशा ही देखने को मिलती रहती है। तो शेयर प्राइस को चार्ट पर समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं जो अपडेट निकलकर सामने आया है बोनस और स्प्लिट के रिगार्डिंग। कब मिलेगा बोनस, कब मिलेगा स्प्लिट, कितना मिलेगा, किससे मिलेगा, तमाम चीज़ों को सबसे पहले यहाँ पे देखिए कॉर्पोरेट एक्शंस में आ गए हैं, क्योंकि इसी में आपको पता चलता है कंपनी ने कौन कौन से कॉर्पोरेट एक्शंस किए हैं। तो जो भी बोनस स्प्लिट और डिविडेंड से संबंधित न्यूज होती है सभी कॉर्पोरेट एक्शंस कहलाते हैं। पहले शुरुआत करते हैं कंपनी के बोनस शेयर से। कंपनी बोनस शेयर देने जा रही है आपको 1:1 के रेशियो में, यानी कि किसी व्यक्ति के पास यदि एक शेयर से तो बोनस शेयर मिलने के बाद वो हो जाएंगे टोटल 2 शेयर, क्योंकि कंपनी 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर देने जा रही है, यानी कि एक के बदले एक एक्स्ट्रा मिलेगा तो टोटल एक शेयर हो जाएंगे 2 शेयर। अब यदि हम बात करें स्प्लिट की तो कंपनी स्टॉक स्प्लिट करने जा रही है, स्प्लिट करने जा रही है 1:2 के रेशियो में, यानी कि 1:2 हो जाएगा। तो किसी व्यक्ति के पास पहले से भी एक शेयर है तो स्प्लिट के बाद 2 शेयर हो जाएंगे और चूंकि पहले से एक शेयर है तो टोटल शेयर की संख्या हो जाएगी 3। अब आसान भाषा हम समझे तो यदि बोनस और स्प्लिट दोनों को जोड़ दो, किसी व्यक्ति के पास पहले से एक शेयर है तो बोनस और स्प्लिट मिलने के बाद उसके पास टोटल 3 शेयर से और 2 शेयर से टोटल हो जाएंगे 50 शेयर। यहाँ पे आपको बात शायद ज्यादा समझ में आया होगा। ज्यादा क्लियरिफिकेशन के लिए मैं आपको एक अलग एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 10 शेयर्स हैं इस स्टॉक के कैप्री ग्लोबल लिमिटेड के, अब बोनस शेयर्स मिलेगा 1:1 के रेशियो में आपको बोनस मिलेगा, यहाँ पे मैं बोनस लिख देता हूँ। तो ये 10 शेयर्स कितने हो जाएंगे, 20 शेयर्स हो जाएंगे और आपको स्प्लिट कंपनी देने जा रही है 1:2 के रेशियो में, यानी कि 1:1 हो रहा है। तो इस 10 का कितना हो जाएगा, 10 का हो जाएगा 20 शेयर्स, और चूंकि 10 पहले से है उसके पास तो 20+10 ये हो जाएंगे टोटल 30 स्प्लिट शेयर्स, और पहले से उसके पास 20 है बोनस शेयर्स। यानी कि यदि हम लोग बोनस और स्प्लिट दोनों को जोड़ देते और किसी व्यक्ति के पास पहले से 10 शेयर्स है तो उसके बाद उसके पास हो जाएंगे 50 शेयर्स बोनस और स्प्लिट मिलने के बाद। ऐसे समझिए एक शेयर है तो वो हो जाएगा 5 शेयर्स, 10 शेयर्स है तो वो हो जाएगा 50 शेयर्स, 50 शेयर्स है तो वो हो जाएगा 250 शेयर्स। आप 5 गुना का यहाँ पर हिसाब लेकर चलिए, यहाँ तक बात समझिए। अब समझिए जो बोनस शेयर्स कंपनी जो बोनस और स्प्लिट के लिए रिकॉर्ड डेट रखा गया वो रखा गया 5 मार्च, यानी कि आज के तारीख के पहले तक जिन लोगों ने इस कंपनी के शेयर्स को बाई किया हुआ, अब जो आज बाई करेंगे उनको नहीं मिलेगा क्योंकि T+1 डेज का सेटलमेंट होता है, तो इसलिए ये रिकॉर्ड डेट निकल जाएगा। कल जो लोगों ने बाई किया हुआ उनको बेशक इस कंपनी के बोनस और स्प्लिट शेयर्स का बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक ऐसी कंपनी है जो आपको समय समय पर डिविडेंड भी देती है। यहाँ पे पिछले साल अगस्त में डिविडेंड दिया था, प्लस यहाँ पर देखिए लंबा चौड़ा इसका इतिहास रहा है डिविडेंड देने का, जो पैसा डिविडेंड के फॉर्म में मिल रहा है या अब कंपनी ने जो बोनस स्प्लिट स्टॉक स्प्लिट देने के लिए अनाउंसमेंट किया इसका बेनिफिट उसको मिलता रहा होगा और आगे भी जिसका इसमें इन्वेस्टमेंट या जो नया इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको भी इसका बेनिफिट मिलता रहेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड का एक झलक पाले स्टॉक काम क्या करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ये एक NBFC कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर के में ये कंपनी काम करती है, फाइनेंस सेक्टर में काम करती है और ये जो NBFC कंपनियाँ होते हैं उनको मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। फ्यूचरिस्टिक मूल्यों व्यू से देखें तो इसका भविष्य काफ़ी उज्ज्वल है, शेयर प्राइस में लगातार तेजी बने रहने के चांसेस रहेंगे। फंडामेंटल भी काफ़ी बढ़िया है, तकरीबन लार्ज कैप श्रेणी का स्टॉक है और चार्ट पर देखेंगे तो 1 साल का मैंने यहाँ पर चार्ट ओपन किया और देखेंगे जब से स्टॉक में स्प्लिट और बोनस की अनाउंसमेंट हुआ है पहले से ही जो इनसाइडर्स होंगे तो खैर पता ही होता है कब इसमें क्या होने वाला है। एक लंबा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन में भी था ये स्टॉक कुछ दिनों से और जैसे कंसोलिडेशन से स्टॉक बाहर निकला आप देख सकते हैं 240 से सीधे प्राइस 280 गया और 300 के पहले ये स्टॉक रुकने वाला नहीं है, इसलिए आपको 300 के आसपास जाते हुए दिखेगा। बोनस और स्प्लिट मिला है थोड़ा सा करेक्शन क्रेडिट होने के बाद जो बोनस होते हैं यहाँ पे पॉसिबल, लेकिन फिलहाल लॉन्ग टर्म के पॉइंट से सोचे तो स्टॉक का प्राइस लगातार ऊपर ही जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कितना नीचे से प्राइस ऊपर उठना शुरू हुआ है, तकरीबन 140 रुपये से
प्राइस अभी देखेंगे तो आपको 300 के करीब पहुंचते हुए दिख रहा है। तो आपका इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो बेसिक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन प्राइस को थोड़ा सा करेक्ट होने दीजिए। अभी चढ़ती रेलगाड़ी में नहीं चढ़ना है, करेक्ट होगा प्राइस, थोड़ा सा सही सही जगह पर देखिए एंट्री ले लीजिएगा। अभी इसमें जबरदस्ती बाइक करने वाली कोई बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ कापरी ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड के बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी समझ में आई होगी। कोई भी सवाल है कंफ्यूजन कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।